नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबको इस वीडियो में मनसा देवी का दर्शन कराएंगे। ये मनसा देवी का मंदिर हरिद्वार में हर के पैड़ी के पास स्थित है। आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से या बस स्टॉप से ऑटो के माध्यम से पहुंच सकते हैं। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है। ये शिवालिक पर्वत पे स्थित है। माँ का दरबार के दर्शन करने के लिए तमाम साधन है। आप पैदल भी जा सकते हो, रोप वे के माध्यम से भी जा सकते हो, जिसे वरुण खटोला के नाम से भी जानते हैं, और लोग स्कूटी से भी ऊपर जाते हैं पहाड़ों तक। तो हम हमारे दोस्त पैदल यात्रा करने के लिए डिसीजन लिए हैं, क्योंकि अभी हम लोग यंग हैं, तो सोच रहे हैं माँ के दरबार तक हम लोग पैदल जाएँ। और रास्ते में तमाम प्रकार के नज़ारे आएंगे, व्यू आएंगे, उसको आप सबको दिखाएंगे। मेरा दोस्त देखो कुछ खाने के लिए ले रहा है। ऐसे रास्ते में छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलते रहते हैं। आप अपने आप को खा पी करके एनर्जी बनाए रखोगे और माँ का दर्शन कर सकोगे। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, अगर ज़मीन से देखें इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, और चलने में भी पैदल चलने में 20 से 25 मिनट समय लग जाते हैं। तो हम लोग पैदल चल रहे हैं, रास्ते में अच्छे अच्छे प्रकार के नज़ारे हैं। ये उड़न खटोला है, जिससे लोग आसानी से माँ के दर्शन कर सकते हैं। 100 रुपये इसके टिकट लगते हैं दोनों साइड के लिए। हम लोग पैदल चलने के लिए डिसीजन लिए हैं, सोचे इससे क्या चलें। पैदल चलने में अलग ही मज़ा है, अलग ही व्यू आता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, अभी आप सबको आगे का पूरा नज़ारा हम लोग दिखाएंगे, माँ का दर्शन कराएंगे, माँ का दरबार कैसा है। हम लोग काफ़ी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो हम थोड़ा आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि मनसा देवी का मंदिर राजा गोला सिंह ने 1811 से लेकर के 1815 के बीच में निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा मंदिर है जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु अपने मन की इच्छाएं को लेकर यहाँ आता है, वो माँ इनकी इच्छाओं को जरूर पूरा करती हैं। इनका नाम है मनसा देवी। मनसा का मतलब होता है इच्छाओं का पूरा करना। तो जो भी सच्चे दिल से जो भी भक्त आता है, जो भी मनोकामना लेकर आता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ देश विदेश के भी लोग आते हैं। नवरात्र के महीने में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती हैं, और वैसे भी भीड़ होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग अवश्य आएँ, माँ के दरबार में एक बार माथा टेकें, अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। क्या मनसा देवी का मंदिर है, बहुत पवित्र स्थान है, ऐसा कहा जाता है। भगवान शिव के मन से प्रकट हुई थी, इसीलिए हर के पैड़ी के ही पास ये स्थित है। काफ़ी ज़्यादा अंदर भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु हैं। अंदर जाओगे तो मूर्तियाँ हैं जो माँ का दर्शन के रूप में आपको मिल जाएंगे। और बोला जाता है कि मनसा को नाग वसु की बहन माना जाता है। उन्हें भगवान शिव के मानव अवतार की पुत्री भी माना जाता था। और मनसा का जो मैंने बताया अर्थ होता है इच्छा, ऐसा माना जाता है कि इनके दरबार में जो भी आता है, सच्चे दिल से आता है, उनकी इच्छाएं जरूर पूरी होती है। ये 200 साल पुराना मंदिर है, तो यहाँ पर बहुत लोग सच्चे मन से आते हैं, उनकी इच्छाएँ जरूर पूरी होती है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, हम लोग गए थे संडे के दिन, फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था, कोई नवरात्र भी नहीं था। तो यहाँ समझ सकते हैं कितना लोगों की विश्वास है, कितने लोगों की अटल विश्वास है जो यहाँ पर लोग आते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियों को चढ़ते हुए आते हैं, पैदल यात्रा करते हुए आते हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ में देखिए माँ का दरबार, इसके अंदर माँ बैठी हुई है। फोटो यहाँ पर देखिए, ये माँ का दरबार लगा हुआ है। यहाँ पर बाबा लोग, पुजारी लोग हैं, जो भी आप प्रसाद लेकर जाओगे यहाँ पर दोगे, बाबा लोग चढ़ाएंगे, फिर आप वो प्रसाद उसको वापस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एकदम गोल्डन।